तो हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट कैसे क्रैक करें, जो सीटेट दिसंबर का जो एग्जाम है उसे कैसे पास आउट करें। कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सीटेट के एग्जाम की बात करें तो पहले ये एग्जाम 1 दिसंबर को होना था, लेकिन किसी कारणों की वजह से, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है चुनाव की प्रक्रिया चलने वाली उसी टाइम पे, तो जो सीटेट का जो एग्जाम उसे पोस्टपोन करके 15 दिसंबर को कर दिया गया है। अब 15 दिसंबर को अगर छात्रों की संख्या ज़्यादा होती तो उससे एक दिन पहले भी ये एग्जाम कराया जा सकता है, जो कि 14 दिसंबर को एग्जाम करा सकता है। 14 और 15 को पूरे आसान है कि एग्जाम करा लिया जाए, और लगभग 1 महीने का समय मिला है आपको फॉर्म भरने का, तो जल्द से जल्द फॉर्म भरे ताकि आपको मनचाहा एग्जाम सेंटर प्रोवाइड मिल सके। तो जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई करें। कुछ छात्र ऐसे हैं जो लगभग कई सालों से परीक्षा देते आ रहे हैं सीटेट की, लेकिन उनका जो 82 नंबर है, अगर वो कैटेगरी से बिलोंग करते तो 82 नंबर भी नहीं आ पाते हैं, या किन्हीं कारणों से अगर जनरल में बिलोंग करते तो 90 भी नहीं ला पाते हैं, तो हमेशा से कुछ नंबर कम रह जाते हैं। कुछ भी मान लीजिए, तो कुछ तरीके बताऊंगा, उन तरीकों को अगर आप फॉलो करते तो 100% जो आपका जो एग्जाम है वो सॉल्व हो जाएगा और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मैथ की बात करें सॉल्व कर पाएंगे और जो है आपका जो सीटेट का जो एग्जाम है वो पास हो जाएगा। तो और एक और इम्पोर्टेंट, कुछ लोगों को भ्रम है कि जो सीटेट का एग्जाम है, अगर आप अपेयरिंग में है तो आपका जो सीटेट का जो एग्जाम है वो वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर कोई छात्र ऐसा है जो DLED या BTC और JBT या DED BED कर रहा है, अगर वो अपेयरिंग में भी है तो अगर वो सीटेट का एग्जाम देता है तो उसका जो एग्जाम है वो पास माना जाएगा। NCT की गाइडलाइन थी, पिछली साल ही आई थी 2023 में, कि अगर बच्चे ने पहले दिन भी एडमिशन ले लिया है और वो सीटेट का एग्जाम देता है तो उसे प्रतिभाशाली माना जाएगा और उसका जो एग्जाम है सीटेट का वो पास माना जाएगा, वो वैलिड होगा। ठीक है गाइस, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबे ना रखते हुए, तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला तरीका है कि जो एग्जाम है उसकी स्ट्रेटजी क्या है, एग्जाम के अंदर क्या क्या आता है, उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो सीटेट है उसके अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं? टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है CDP, उसके बाद हम बात करें EVS, पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, EVS, उसके बाद मैथ, और उसके बाद हिंदी, और उसके बाद इंग्लिश, जो कि अपने भारत में इंग्लिश एक भाषा नहीं है, इंग्लिश को एक कौशल समझा जाता है जिसे क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अभी हालिया हमें 6-7 दिन पहले आपने क्या हिंदी दिवस मनाया था, जो हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, जिनका बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा नहीं है, कहीं कोई आपसे पूछ लेता है हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। ठीक है, तो सीटेट का जो एग्जाम होता है इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। कुछ छात्र ऐसा होता है ना, पहली बार एग्जाम दे रहे हो रहे हैं, तो उन्हें जानकारी नहीं होती है कि क्या क्या आ रहा है एग्जाम में, क्या नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है आपके 150, तो कितने होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें आपको मिलती है 150 मिनट मिलती है। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, 150 मिनट के लिए 150 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि आपको निर्धारित समय के अंदर OMR सीट पर सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या था, 2011 से लगभग ये 20वां एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 20वां एडिशन है। 20वां एडिशन में लगभग 12 बार मैं सीटेट का एग्जाम दे चुका हूँ। अभी लास्ट बार भी मैंने दिया था, तो उसके अंदर CDP के अंदर मेरे 30 में से 28 नंबर थे CDP के अंदर, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो कि मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं सीटेट का बैच लेता हूँ, तो उसमें मेरे 28 नंबर थे CDP के अंदर। दोनों एग्जाम क्वालिफाई थे, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकेंड भी। ठीक है, तो काफी सारा अनुभव है, 12 बार जब कोई दे चुका है एग्जाम तो उससे समझ सकते हो कि कितना एक्सपीरियंस ले रहा होगा वो बंदा। तो अगर आप मेरे से EVS में कहीं से भी पूछोगे ना, तो मैं उसका पूरा क्वेश्चन बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या आएंगे। ठीक है, तो वो बाकी चीजें चलो उन्हें छोड़ो, तैयारी करनी है आपको, मेरा तो हो गया है फिलहाल। ठीक है, तो CDP की बात करें तो CDP में 30, EVS में 30 और मैथ में 30, और रही तो 30-30 नंबर के, ये कितने होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब जो 30 नंबर के जो होते हैं, इसमें 15 नंबर की क्या पूछी जाती है,
15 नंबर की में पूछी जाती है पैडागोजी। पैडागोजी की यानी कि शिक्षण शास्त्र पढ़ाने का तौर तरीका, क्योंकि अगर आप एक एज ए टीचर, अगर आप टीचर हैं तो किसी बच्चे को कैसे टीचिंग कराएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो ये सब जो तौर तरीके होते हैं उन्हें बोला जाता है पैडागोजी। ठीक है, इसके बाद ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में 15 पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। कहाँ से? एनसीईआरटी। ठीक है, जो अपनी एनसीईआरटी जो एक संस्था है जो कि किताब बनाती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से करीब 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किताब में से, तीसरे से लेकर पांचवी कक्षा की जो बुक्स है उसमें से पूछे जाते हैं। पहले तो बहुत सरल पूछा जाता था, लेकिन आज के टाइम में क्या बहुत ही घुमा फिरा के पूछ, पहले 15 नंबर बिल्कुल डिक्टो मिल जाते थे रखे के रखे। एक बार मेरे 25 थे ईवीएस के अंदर, लेकिन अब क्या है उसमें भी काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया है, खत्म खत्म उछेड़ के एकदम खत्म कर दिया है। ठीक है, मैथ के अंदर क्या है ये भी आपको 6 to 8 पढ़नी है आपको, क्या मैथ एनसीईआरटी। ठीक है, 6 to 8 आप एनसीईआरटी पढ़ें और आपका मैथ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैथ में वो एसएससी लेवल की मैथ नहीं पूछता, नॉर्मली मैथ पूछता है। क्या पूछता है उसमें? इकाई दहाई पूरा, मतलब आपको संख्या का आयत वगैरह के भी का क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मली पूछता है। ठीक है, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप कर पाएंगे। इसके बाद बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी में 15 नंबर की पूछी जाती है क्या ग्रामर। क्या पूछी जाती है? 15 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है। ठीक है, और 15 नंबर के पूछे जाते हैं अंशिज पैसे, गद्यांश और पद्यांश। हम हिंदी वाले हैं तो हिंदी में बात करेंगे कि गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। इसके बाद 15 नंबर का ऐसे इंग्लिश में होता है, इसमें भी 15 नंबर का ग्रामर पूछी जाती है। ग्रामर में क्या है, नाउन वगैरह पूछे जाते हैं आपके, और एक उपसर्ग प्रत्यय पूछा जाता है, और समास वगैरह पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है टोटल 150 क्वेश्चन का। ठीक है, 150 मिनट मिलेंगे, पूरी स्ट्रेटजी ये है। ठीक है, तो सीडीपी कहाँ से पढ़नी है आपको? सीटेट सीडीपी के लिए आप कोई भी ऑफलाइन किताब ले सकते हैं, आर्यन पब्लिकेशन की ले सकते हैं, या एक काफ़ी सारे पब्लिकेशन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक काफ़ी अच्छा है, तो उनकी काफ़ी सारे लेट्स लर्न वगैरह से कहीं से भी ले सकते हो। सारी किताबें अच्छी हैं, सारे आपको थ्योरी और कथन कंप्लीट करने। ठीक है, ईवीएस के लिए मैंने बताया आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और 15 नंबर के लिए आपको क्या है आपकी जो है 15 नंबर की पैडागोजी पूछी जाती है इसमें भी। ठीक है, तो पैडागोजी अच्छी हो जाएगी। मैथ की भी पूछी जाती है, मैथ के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के जो शुरुआत के पेज होते हैं वो पढ़ने, एनसीईआर वगैरह जिसमें लिखा होता है, और ये तो पूरा है ही, इसके लिए आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, अपनी अपनी क्या समझ मजबूत बनानी पड़ेगी, तब जाके आपका जो है एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो ये स्ट्रेटजी है, सबसे पहले क्या, इसके बाद क्या करें। ठीक है, ये आपने कर लिया, इसके बाद में करें आप क्या करें सिलेबस। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करें सिलेबस कहीं से डाउनलोड करें, इसका सीटेट का सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप क्या करें सिलेबस को अच्छे से देखें, इसके बाद क्या पीवाईयू क्वेश्चन निकालें कहीं से। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, तो पीवाईयू क्वेश्चन डाउनलोड करें वेबसाइट से, और उन्हें अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, पहले सारी थ्योरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद में क्या करना है आपको पहले सिलेबस निकालना है, सिलेबस के बाद में सारी थ्योरी देखनी है, कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है सारी चीज़ों को। ठीक है, पढ़ना है, इसके बाद में क्या करें पीवाईयू क्वेश्चन। पिछले साल के 20 बार एग्जाम हो चुका है। ठीक है, 20 बार एग्जाम हो चुका है, बीच में 2 बार ऑनलाइन भी हुआ था, तो कई सारे सेट आपको मिल जाएंगे। अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, उसके अंदर आपको पीवाईयू क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, 2011 से लेकर 2020-22 तक के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अपने क्या है नोट्स बनाएं, क्या बनाएं अपने नोट्स बनाएं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने नोट्स बनाएं, ताकि आपको जो भी कुछ और YouTube वगैरह कहीं से भी पढ़ें, लेकिन अपने नोट्स बनाएं, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में क्या करें आप, इसके बाद में अपनी सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करें, रात दिन रात एक करते जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बहुत से बच्चों के नंबर यूं ही आ जाते हैं, लेकिन बहुत सौ क्या है सीटेट का एग्जाम भी इतना हल्का नहीं है, हल्के में नहीं लिया जा सकता है। 26 लाख छात्रों में से 3-4 लाख बच्चे पिछले बार भी पास हुए थे, केवल दोनों पेपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेल्फ नोट्स बनाओ और अच्छे से तैयारी करें, डीपली पढ़ें। ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सीटेट कोई नहीं रोकता है कि आपका सीटेट रह जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या करें प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज़्यादा पढ़ने के बाद में। पढ़ते तो आप निरंतर आ रहे हैं, पिछले साल से आपका 4 नंबर कम रह गए, इस बार 3 नंबर कम रह गए,
तो काफी बच्चे ऐसे हैं कि जगह दो नंबर पढ़ाई तो आपने बहुत सारी करी लेकिन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी तो ये एग्जाम कुछ नहीं है, आपको हलवा लगेगा कह सकते हैं कि आप तुरंत निकाल लेंगे सीटेट का एग्जाम। आगामी भर्ती आने वाली है बहुत जल्दी, तो देखते हैं कब भर्ती देखने को मिलेगी। तो यही सारी कुछ ट्रिक थी, और कोई जानकारी चाहिए हो सीटेट संबंधी तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें। और वीडियो पसंद आती हो मेरे द्वारा बनाई गई टीचिंग संबंधित वीडियो बनाता हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।